Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter water and today it is the last session for this chapter. तो last session में हम लोग थोड़ा सा summary करेंगे और थोड़े से question and answers को discuss करेंगे. Okay, ready? So हमारा summary में हम सबसे पहले जो हमने इस chapter में सीखा है पढ़ा है कि जो water है is essential for life. आप बताएं क्या हम कह सकते हैं इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, यस और नो? यस, वेरी गुड. क्यों? कैन यू गिव मी एनी वन रीजन? सोचिए. यस, क्योंकि हमारा जितना भी लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो साइकिल चल रही है, That is happening because of water. Water है तो soil में there is हम कह सकते हैं strength. That water when it is utilized by plants, it is producing food. That food we are taking. एक ये cycle हो गई. दूसरा क्या है? ये water है तभी evaporation हो रहा है. Evaporation के बाद condensation हो रहा है. Cloud formation हो रहा है and that water is coming back. और इस वे में क्या है, जो हमारा ओशंस का, जो सीज का सेलाइन वाटर है, डेट कैन ऑल्सो बी यूज. अगर हम वैसे यूज करें इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस, लेकिन जब हमारा नेचुरल प्रोसेस चल रहा है उसमें सॉल्ट नीचे रह रहा है, वाटर का एक साइकिल इज गेटिंग मेंटेन्ड. हमने ड्रॉट कंडीशंस देख ली कि एक वाटर नहीं होने से कैसे पूरा साइकिल इज गेटिंग डिस्टर्ब. एंड हमने वहां देखा कि इट इज अ ग्रेट डेंजर फॉर द लाइफ ओवर देयर. ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, हमारे प्लांट्स हो, कोई भी कैनॉट लिव. सो ये चीज हमने देख ली कि वॉटर जो है डेट इज अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट फॉर अस, या वी कैन से फॉर द लाइफ ऑन दिस अर्थ. वॉटर वेपर गेट्स एडेड टू एयर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. दूसरा हमने क्या सीखा, ये जो वाटर वेपर है, हाउ डज इट गेट एंटर्ड इन द एटमोसफेयर? तो देयर आर टू प्रोसेस बाय विच दिस वाटर वेपर इज फॉर्म्ड. एक तो प्रोसेस हो गया इवोपरेशन का. इवोपरेशन का प्रोसेस कहाँ हो रहा है? फ्रॉम ऑल वाटर बॉडीज, है ना, चाहे सीज हो, ओशंस हो, लेक्स हो, पॉन्ड्स हो, इवन फ्रॉम अवर क्लोथ्स. Even if we are cleaning our house, everywhere where we are putting water, it is getting evaporated. दूसरा है by the process of transpiration. कहाँ हो रहा है transpiration? कहाँ? कौन कर रहा है transpiration process? Plants, है ना? Plants से transpiration process हो रहा है. ये जो प्लांट से हमारा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो रहा है, दिस इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर, अगर हम कहें रेन्स जो हमारी कॉज हो रही है, क्योंकि सी द नंबर ऑफ प्लांट्स. इसलिए हम क्यों कह रहे हैं कि वी शुड टेक केयर ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि अगर प्लांट्स कट हो गए तो अ ग्रेट परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर विल बी रिड्यूस इन द एटमोसफेयर. So, जबकि और वाटर बॉडीज से हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आप ये सोचें कि आपके पास अगर देयर आर टू ग्रुप्स जिससे यू आर गेनिंग अ थिंग, अब एक ग्रुप कट हो गया तो दूसरे ग्रुप से कितना होगा? तो जो कट हुआ है उसकी स्कैर्सिटी कैन द प्रीवियस ग्रुप कैन फिल? नो, है या है? ये दिस इज द फैक्ट ना. तो इसलिए वी शुड टेक केयर. और आप लोगों को ये चैप्टर इसीलिए पढ़ाया जा रहा है बिकॉज नाउ यू आर गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग हाउ कैन यू कंजर्व द वॉटर, हाउ कैन यू टेक द केयर ऑफ प्लांट्स, वॉट स्टेप्स कैन यू टेक डेट. और स्टेप्स आप तभी टेक करेंगे वेन यू नो कि अगर आज हम प्लांट कट कर दे रहे हैं तो आगे चल के हमें कितना प्रॉब्लम हो सकता है. सो दिस इज, अगर हम देखें, अगर हम अपने एक जो हम सराउंडिंग्स में रह रहे हैं तो एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द अदर थिंग.
तो इफ वी आर मेंटेनिंग दैट साइकिल दिस मींस अवर अर्थ इज सेव्ड एंड इफ समवेयर वी आर डिस्टर्बिंग दिस साइकिल दिस मींस देयर इज अ डेंजर फॉर दिस अर्थ. Rain, hail and snow replenish water in rivers, lakes, ponds, wells and soil. So, ये जो हमारे क्या है, ये ground level है. Rivers, lakes, ponds, wells, ये ground level है. और इस ground level पे from where are we getting the water? कहां से मिल रहा है? हमें rain से मिल रहा है, hail, snow, ये क्या होगा ये सारे? वही कि जब वाटर जब रेन इज कमिंग डाउन और व्हेन इट इज कमिंग डाउन अगेन इट इज कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद अ वेरी लो टेम्परेचर तो जो वाटर है जो लिक्विड फॉर्म में इट इज फ्रीजिंग नाउ और वो जब फ्रीज होने लग जाता है या तो स्नो हमारे छोटे छोटे से फ्लेक्स की तरह आता है या बड़े बड़े स्नो बॉल्स की तरह इट कम्स डाउन. तो हम ये हेल स्टॉर्म यही तो होता है कि एक क्या अगर हम कहते हैं इसको इन हिंदी वी से क्या कहते हैं बर्फ की आंधी सी बोलते हैं कि हवा के साथ इट कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड. द वॉटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वॉटर विच अपीयर एज क्लाउड्स. तो क्लाउड्स का तो अब हमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया कि इसका साइकिल जो चल रहा है वाटर वेपर का क्या हो रहा है कंडेंसेशन है ना तब क्लाउड्स बन रहे हैं. मैनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर एंड फॉल डाउन एज रेन स्नो और हेल. तो एक्चुअली अगर हम रेन स्नो हिल को देखें तो इट इज वॉटर ड्रॉपलेट्स ओनली ईदर इन लिक्विड फॉर्म और इन सॉलिड फॉर्म बस यही डिफरेंस है. क्लियर. एक्सेसिव रेन्स में कॉज फ्लड्स व्हाइल लैक ऑफ इट फॉर लॉन्ग पीरियड में कॉज ड्रॉट्स और दोनों ही क्या है हार्मफुल. The amount of usable water on earth is limited, so it needs to be used carefully. So, जो हमने chapter start करा था वो यही करा था कि suppose you get only a bucket of water for the whole day for one family, will you be able to survive? उस एक वाटर बकेट ऑफ वाटर से आप क्या करना पसंद करेंगे? पीना पसंद करेंगे, सफाई करना पसंद करेंगे, वॉशिंग करना पसंद करेंगे, खाना बनाना पसंद करेंगे, क्या? तो द मोस्ट नेसेसरी थिंग जो होगी वो ही. सो जस्ट थिंक अबाउट अगर एक बकेट ऑफ वाटर फॉर द होल फैमिली मिले विल इट बी सफिशियंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द होल फैमिली? नहीं. सो ये हम एक बकेट ऑफ वाटर का क्यों एग्जाम्पल कर रहे दे रहे हैं क्योंकि बिकॉज अवर साइकिल जो हमारा वाटर साइकिल चल रही है हमारी इट इज गेटिंग डिस्टर्ब बिकॉज वी आर कटिंग प्लांट्स बिकॉज जो हमारी रिवर्स हैं लेक्स हैं उनको वी आर क्या कर रहे हैं वी आर जस्ट होल्डिंग देम समवेयर उनको आगे फ्लो नहीं होने दे रहे हैं और वहां पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. तो जब वाटर बॉडीज हमारी कम होती जा रही हैं तो वेपोराइजेशन पे भी प्रोसेस इज रिड्यूसिंग और ये सब क्या हो रहा है जो पूरी वाटर साइकिल चल रही है इट इज गेटिंग डिस्टर्ब. वेपोराइजेशन नहीं तो नो रेन. सो इसलिए और रेन नहीं है तो फिर लेक्स और पॉन्ड्स में क्या होगा पानी रिड्यूस होता चला जाएगा. एक टाइम आएगा कि वहां पर पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो आपके घरों में पानी कहां से आएगा. सो आप अभी बच्चे हैं तो यू हैव टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको अपने घर वालों को बताना है आपको अपनी सोसाइटी को बताना है कि वी शुड बी केयरफुल विद अवर सराउंडिंग्स और जो वाटर हमें मिल रहा है उसको भी वी शुड यूज केयरफुली कि आज हमारे पास पानी है ये नहीं है हम थ्रो करके हम सोचे या आधे आधे घंटे हम पानी बहा के नहाए और हम सोचे वी आर फीलिंग फ्रेश. नो वी शुड नो हाउ टू कंजर्व वाटर एंड वी शुड अवॉइड
wasting out the water. Now, थोड़े से questions हम देख रहे हैं. Name the process. State for each of the following whether it is due to evaporation or condensation. Water drops appear on the outer surface of a glass containing cold water. Water drops, it appear on the outer surface of a glass containing cold water. कौन सा process होगा? Evaporation या condensation? Any guess? Condensation. Very good. Condensation. Next, steam rising from wet clothes while they are ironed. जब आप प्रेस करते हैं, थोड़ा पानी डाल के आप लोग कपड़े प्रेस करते हैं, क्या होता है? स्टीम होती है. तो वॉटर इज गेटिंग evaporated. या इसको हम कहेंगे evaporation. ये जो प्रोसेस हो रहा है बिकॉज ऑफ evaporation. नेक्स्ट, fog appearing on a cold winter morning. ये हम जानते हैं इट इज condensation. Blackboard dries up after wiping it. अगर गीले कपड़े से हमने पोछा, so क्या होगा? It is because of evaporation. Steam rising from a hot girdle when water is sprinkled on it. कभी देखा है आपने गरम आपका तवा, कोई भी कुकर, कुछ भी है, कोई भी गरम चीज है, उस पर पानी डालिए, दिस साउंड कम्स. दिस मीन्स क्या हो रहा है? इवोपरेशन. ठीक है, स्टीम मीन्स इवोपरेशन. सम क्वेश्चन एंड आंसर्स. To clean their spectacles, people often breath out on glasses to make them wet. Explain why the glasses become wet. तो इसका आंसर आएगा, the moist air coming out the mouth get condensed on glasses. क्योंकि हमारे मुंह का टेम्परेचर इज हाई इफ यू कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ द ग्लास. Thus glasses become wet and can be cleaned. उस पर वॉटर ड्रॉपलेट्स हो जाती हैं और वो हम पोछ लेते हैं. Next, how are clouds formed? So, the water present on the earth evaporates due to heat of the sun. The water vapor in the air condenses to form tiny droplets of water. At high altitude, which appears as clouds, the clouds are formed by the condensation of water vapors present in air at high altitude. ये हम लोगों ने डिस्कस कई बार कर लिया. नाउ दिस इज द होल प्रॉपर लैंग्वेज एंड दैट यू कैन यूज टू राइट द आंसर. व्हेन डज ड्रॉट ऑकर्स, कब होता है? तो इसके कैसे यू आर गोइंग टू राइट द आंसर. इफ देयर इज नो रेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर मैनी ईयर और फॉर मैनी ईयर्स एंड देयर इज देन देयर इज scarcity of water in that region. So when there is scarcity of water, it leads to drought. So ये सब आपको मालूम है. ये मैंने थोड़े से इस answers लिखे हैं कि आपको idea लगे how to frame out the language. So kids, what did we learn today? Today we have taken the summary as well as some questions जो और मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हैं कि पक्का आपसे कहीं ना कहीं ये पूछे जाएंगे. सो थोड़ा लैंग्वेज खुद भी बनाने की कोशिश करें. इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, द आंसर्स आर हियर, यू कैन जस्ट लर्न इट एंड कैन राइट डाउन. लेकिन दैट इज इम्पॉर्टेंट, यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक सो दैट यू कैन गिव आंसर टू एनी क्वेश्चन. तो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू चैप्टर. बाय.